क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ द जीडीपी पाकिस्तान के अंदर जो जीडीपी सेहत के ऊपर खर्च होती है हजम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली पैसे बढ़ जाते हैं जो जीडीपी का है अभी भी पाकिस्तान के अंदर आई थिंक अगर सईद साहब मेरी मदद करें तो गाल बनिए पॉइंट थ्री परसेंट है, सही या, या। 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 है। अब, हाँ जी। अब उसके लिए जो नॉर्मल थर्ड वर्ल्ड है उसके अंदर भी कम से कम ये 1.5 या 2 जो वो होना दोबारा ये बात आप दोहरा दूं हमारे फाइव या टू परसेंट दुनिया जहान में हमारे मुकाबले के मुल्कों में कम से कम एक अशारिया पांच परसेंटेंटा हालात को ठीक करने की खातिर इन हालात को ठीक करने की खातिर जैसे हालात हमारे यहाँ मिनिमम शुड बी सिक्स परसेंट ऑन हेल्थ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है इस वजह से हमारी जो के पी एम ए के नाला रहते हैं और ये कहते हैं हमारा वाद मुतालबों में से एक अहम तरीन मुतालबा ये होता है कि सेहत के बारे में मेहरबानी करके अखराजात के लिए इसको बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए दूसरी चीज रवैये के ऊपर के ये बड़ा उन्होंने मौजूद सवाल कहा कि रवैया हमारा दुरुस्त नहीं है और वो ब्रैनुले वाली बात भी बड़ी अच्छी है हुकूमत ने अच्छा किया नर्सिस को पक्का कर दिया डॉक्टर्स को पक्का कर दिया उनकी सैलरी बढ़ा दी ऑल दो इट इज़ अंडर क्वेश्चन कि वो एडिक्वेट है या नहीं है मैं समझता हूँ कि वो नहीं है एडिक्वेट नहीं है अभी तक ट्रेनिंग की खातर कि इस वक्त भी हमारे मुल्क के अंदर और पंजाब जो कि एक डिवेलप्ड सो कॉल्ड मतलब हमारा सूबा है इसके अंदर अभी भी रेशो डॉक्टर टू पेशेंट जो वो एडिकुएट नहीं है नर्सेज के लिए जो हमें रेशो चाहिए थ्री नर्सेज टू वन डॉक्टर चाहिए वेयर एज ये उलट है थ्री डॉक्टर्स टू वन नर्स हमारे पास आते हैं पैरामेडिक स्टाफ जो है वो बिल्कुल ही कम है जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी कहाँ से रवैये कहाँ की सेहत कहाँ की नेग्लिजेंस मैं समझता हूँ कि हम लोग इस सारी चीज़ों को बेहतर करने की खातिर वो बातें कर रहे हैं जो कि हमें बुनियादी तौर पर जो है दैट इज़ आवर बजट दैट इज़ आवर एजुकेशन ज द प्रोडक्शन ऑफ दैरा मेडिकल स्टाफ नर्सिंग स्टाफ द्रेन होता जा रहा है तो एक तो सबसे पहले मुझे मुझे वो वो जिंदगी का जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए मैं अगर एक ओपरेस्ट तबका हूं और मेरे कंपनसेशन बहुत बुरी है तो बुरा न मानिए डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपका रवैया और मेरा रवैया आपकी तरफ अजीब सा रहेगा अभी तक जितनी भी बातें हुई ना वो ऐसे लग रहा है जैसे हम हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज डॉक्टरों को छेड़े मत उनसे गलती हो जाती है।, मगर सर, हकुमत का काम ये है दोनों तरफ देखना अगर मरीजों के पास रवैया है, है प्राइवेट के या आप ये समझते हैं कि ऐसी कोई नीयत नहीं है मगर आप ये चाहते हैं कि कम अज कम शरा कम हो मेडिकल नेग्लिजेंस और मेडिकल एरर की दूसरी बात आपकी ठीक है किसी हुकूमत की किसी ये नीयत नहीं होती कि वो प्राइवेट सेक्टर को नाकाम करें अच्छा अब इन्होंने अभी कहा कि जी वो बैनर्स लग गए बिलर बिल बोर्ड लग गए तो उसमें हुकूमत जिम्मेदार है अब क्या हुकूमत देखें अल्लाह ताला ने भी जजा और सज़ा रखी है इंसान की ज़िंदगी उसी पे मुनसर है तो ये मैं ये समझता हूँ कि गफलत जो है और एरर इन दोनों में भी गलत में फ़र्क है बिल्कुल सही है एरर एक और चीज़ है और गफलत एक और चीज़ है गफलत के जो भी मुवज़ा तरीक़े हैं मैं इसके खिलाफ हूँ कि डॉक्टर पर तीन सौ दो की दफ़ा लगाई जाए उसको गिरफ्तार किया जाए जेल भेज दिया जाए और बाद में बेगुनाह साबित हो जाए लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी और एहतसाफ सिस्टम का हिस्सा तो होना चाहिए ठीक है बिल्कुल। जो हमारे पास नहीं था उसी की गैर मौजूदगी में तीन सौ दो लग रही है मुखल दफे लग रही है पंद्रह महकमे उसमें आ गए इसीलिए ये, ये, ये हमारी हुकूमत है इसने एक हेल्थ केयर कमीशन बिल बनाया है जिसका मकसद यही है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को रेगुलेट किया जाए ब्लड बैंक्स को नर्सिंग होम्स को डॉक्टर्स को कि अगर कहीं वो गलती करें तो उसका मदावा कैसे हो सर ये आप पूरा पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं जिसके ऊपर बड़ी लेदे हो चुकी है अब मेरे ख्याल में एक मुआरे का कोई तबका ऐसा नहीं जिसने आपके हेल्थ केयर बिल को कंडेम नहीं किया इसके लिए हमेशा बात नहीं करते डॉक्टर साहब अगर हुकूमत इस किस्म की डॉक्टर हाउंडिंग शुरू करेगी हर डॉक्टर जो नेक नियति से किसी मरीज का इलाज करे टीका लगाना कत्ल नहीं है टीके लगाने की वजह से किसी मरीज के रिएक्शन में मर जाना वो एक इनएविटेबल सी एक फिटेलिटी हो सकती है अगर डॉक्टर हाउंडिंग जारी रही तो आपके ख्याल में इसकी इंप्लीकेशन क्या होंगी इसके असरा क्या होंगे डॉक्टर साहब देखें हर कानून हर कायदा हर सहूलत ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के की जाए। जी बिल्कुल हमारे यहाँ नास को सहूलत जो फरमा रही है सेहत की सहूलियात जो दे रही है दैट इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट बाकी एवरी थिंग इज इन प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी वो जिसको कहते हुए सच्ची बात है अगर मैं तो हाँ। बड़े अच्छे क्लिनिक है मेरे लिए मैं समझता हूं कि ये बाई से शर्म बात है और उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो वहां पे बैठे हुए जो 20 30 रुपए के अंदर आके और 70 परसेंट लोगों को ये सेहत की तिबी सहूलियात फ्राह्म कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन के वो अपने साथ ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रखेंगे जैसा मुहतरम सईद रहे हैं कि बिल के अंदर आ रही है उसी को हमने मद्देनजर रखते हुए इनसे गुजारिश की थी कि मिनिमम हमारे स्टैंडर्ड्स को कायम कर ले और डॉक्टर के साथ ये दस्तो गिरे होने की बजाय उनके साथ मिले साथ मीडिया पर तस्हर से एक बददिली फैल रही है क्या आप देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन होगा और लोग जो हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर चंद जो मौजूद है यहाँ पे चूंकि पहली शराब बहुत कम है वो भी इस मुल्क को छोड़ने का इरादा करेंगे ब्रेन ड्रेन का तो मुझे पता नहीं एक बात तो हो गई है पंजाब में टीका लगाने पे कोई तैयार नहीं है सीरियस मरीज को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है इससे अवाम का नुकसान हुआ है ब्रेन ड्रेन पता नहीं होती कि नहीं होती लेकिन जिन्होंने बाहर से आना था वो नहीं आएंगे जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने थे प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं करेंगे अब हेल्थ केयर बिल में जो एक बड़ी चीज है कि आप किसी का क्लिनिक नेगलिजेंस पे बंद कर सकते हैं जब आप किसी को ये अथॉरिटी दे देंगे और ये इसको मिस यूज जो है वो इतना होगा किसी का बंदे का बीस साल का क्लिनिक बंद हो और आप जाके दो दिन में जाके बंद कर दें तो हेल्थ केयर को बंद करने वाली बात साहब आप चूंकि हमारे हुकाम में से भी हैं डॉक्टर भी हैं तो मैं थोड़ा सा याद दिला दू डॉक्टरी थोड़ी सी पीछे रह गई आपकी सर मैंने सिर्फ ये बताना था आपको बुरा मानिएगा पाकिस्तानी सियासतदान दुनिया के किसी भी मुल्क में एक मफरूर जिला वतन के तौर पर एक बड़ी ही मजबूर जिंदगी गुजार सकता है पाकिस्तानी डॉक्टर वो वाह प्रोफेशनल है जो एक बेतहा मुजज हाईली पेड बेनतहा मकबूल जिंदगी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में गुजार सकता है डॉक्टर अगर आपके यहाँ यही नाकदरी और यही इल्जाम तराशी जारी रही इस इंतहाई अहम पेशे की तो क्या आप देखते हैं कि ये एक बेहतर सूरत हाल होगी मुशे नहीं बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब देखें यह जो एक कॉन्सेप्ट है कि हकूमत डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है ठीक है जी किसकी कॉल है इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामा से जी इमरानी जी डॉक्टर से ये सवाल करना है तो कि हमारे हा, जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी डॉक्टर आ रहे हैं क्या वो इस पेशे के लिए आ रहे हैं या कि एक अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट आजकल मेडिकल कॉलेजेस में लाखों रुपया लगा के डॉक्टर जो है वो डॉक्टर बनते हैं तो क्या वो एक अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या कि सिर्फ डॉक्टरी के लिए यहाँ पे आ रहे होते हैं और सेकंडली गवर्नमेंट सेक्टर में इस हवाले से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में सिर्फ मेरे ख्याल से दो हजार सीटें होती हैं उसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट जो निकल रहे हैं वो अपने लाखों रुपया जो एफोर्ड करते हैं प्राइवेट कॉलेज में लेकर जो है वो इस तरह से आते हैं क्या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो इस पेशे के लिए आना चाह रहे हैं लोगों की हेलमेप करने के लिए आना चाह रहे हैं डॉक्टर क्या चाहते हैं देखिए पहली बात तो ये जिन्होंने कहा कि दो हजार सरकारी आ रहे हैं तकरीबन इतने ही प्राइवेट से आ रहे हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ओपन है कंपटीशन हो रहा है जो पैसे लगाएगा उसको पूरे करने का भी हक है ठीक क्योंकि उसने जिंदगी में भीख तो नहीं मांगी डॉक्टर ने उसने इलाज करके पैसे कमाने